मुझसे किसी ने कहा कि गौ मास में तो प्रोटीन होता है, तो हम क्यों ना खाएं। तो मैंने उसे कहानी सुनाई। एक सम्राट थे, उनकी बेटी बहुत सुंदर थी। सम्राट ने एक दिन राजसभा में ऐलान करा दिया कि मैं ही धरती का समर्थ पुरुष हूँ, अपनी बेटी से स्वयं विवाह करूंगा। महारानी ने बहुत समझाया, लेकिन सम्राट की नहीं कोई दोष गुसाई। महारानी एक महात्मा से मिली, सारी बात बताई। महात्मा ने कहा कि विवाह के एक दिन पहले मैं भोजन पे आऊंगा। महात्मा ने थाली लगवाई, एक थाली में 56 भोग और दूसरी में मलमूत्र था। महात्मा ने दूसरी थाली सम्राट के सामने लगाई। सम्राट बहुत क्रोधित हुआ। महात्मा ने कहा, आप तो समर्थ पुरुष हैं। सम्राट ने कहा, मुझसे नहीं होगा। महात्मा ने योग बल से सुअर का वेश धारण किया और मलमूत्र का सेवन किया और पुनः वेश में आ गए। सम्राट वहीं घुटने के बल बैठ गए। गाय में भी प्रोटीन है, पेड़, मनुष्य, सभी जीव में प्रोटीन है, लेकिन सब खाए नहीं जाते हैं। माता, बहन और पत्नी तीनों ही तो स्त्रियां हैं, फिर तीनों के प्रति नजरिया अलग क्यों होता है? यह सब सुनकर वो समझ गया कि गौ मास खाने का मतलब क्या होता है।